दोस्तों डोरेमोन एक ऐसा कार्टून एनीमे है जिसका कॉन्सेप्ट को कोई कार्टून लवर ना पसंद ही नहीं कर सकता, क्योंकि यार ये है ही इतना ज्यादा ऑसम। हालांकि अगर आप उन लोगों में से हो जो ये सोच रहे हो कि डोरेमोन अपनी तरह का एक लौता ऐसा एनीमे था, तो मेरी एडवाइस मानो और जल्द से जल्द इस सोच को अपने दिमाग से बाहर निकाल दो, क्योंकि मैं आपको गलत साबित करने के लिए लेकर आया हूँ 10 ऐसे एनिमेज जो आपको बिल्कुल डोरेमोन जैसे फील देंगे। तो चलिए जानते हैं इन्हीं एनिमेस के बारे में आज के इस वीडियो में। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नया एपिसोड को। नंबर 10, कितरेतु डायाका। दोस्तों शुरुआत करते हैं कितरेतु डायाका से, जो एक ऐसा एनिमे है जिसे देखकर आपको बिल्कुल डोरेमोन वाला फील आएगा, क्योंकि इसकी बहुत सी चीजें काफी हद तक डोरेमोन से मेल खाती है। हालांकि इसका मेन कैरेक्टर डोरेमोन से मेल नहीं खाता, क्योंकि इस एनिमे सीरीज में हमें नोबिता के उलट मेन कैरेक्टर के रूप में कितरेतु नाम का एक जीनियस लड़का देखने को मिलता है, जिसका रोबोट फ्यूचर से नहीं आया होता बल्कि उसने अपने रोबोट को खुद ही बनाया है। और जब भी वो किसी मुश्किल में फंसता है तब वो सिचुएशन के हिसाब से गैजेट्स का निर्माण कर लेता है। अब दूसरे कैरेक्टर्स पर नजर डालें तो डोरेमोन के सुनियो के जैसा ही एक कैरेक्टर देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ इसमें जियान के जैसा सबको डरा कर रखने वाला एक गुस्सेल पड़ोसी भी मिल जाता है, जिसके चलते आप इसे देखकर डोरेमोन की तरह ही कभी भी बोर नहीं होंगे। नंबर 9, रोबोटान। दोस्तों रोबोटान जापान में दिखाया जाने वाला एक ऐसा क्लासिक एनिमे है जो डोरेमोन के साथ बहुत सी सिमिलैरिटीज शेयर करता है। हालांकि सिर्फ 33 एपिसोड्स वाली ये एनिमे सीरीज डोरेमोन जितनी बड़ी तो नहीं है, मगर इसकी और डोरेमोन दोनों की कहानी रोबोट्स के चारों तरफ घूमती है। अब इतना ही नहीं, जिस तरह डोरेमोन को डोरा केक्स पसंद है ना, ठीक उसी तरह रोबोटान का भी अपना एक फेवरेट फूड है। साथ ही साथ इसके एपिसोड की शुरुआत भी एक नई प्रॉब्लम के साथ होती है, जिसका इसके कैरेक्टर्स द्वारा एक सोल्यूशन निकाला जाता है और फिर एक हैप्पी एंडिंग के साथ एपिसोड एंड हो जाता है। अब अगर आपको क्लासिक एनिमेशन वाला डोरेमोन थोड़ा सा भी पसंद था तो फिर रोबोटान से आप कहीं से भी डिसअपॉइंट नहीं हो सकेंगे। नंबर 8, अल्ट्रा बी। दोस्तों अगर आप एनिमेज में जरा सा भी इंटरेस्ट रखते हो ना, तो आपने अल्ट्रा बी तो जरूर देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो कम से कम नाम तो सुना ही होगा। लेकिन क्या आपको मालूम है अल्ट्रा बी में भी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आपको बिल्कुल डोरेमोन वाला फील देंगी। दरअसल अल्ट्रा बी का जो कैरेक्टर डिजाइन है ना, वो बिल्कुल डोरेमोन से मेल खाता है। मतलब कि इसमें आपको डोरेमोन के मेन कैरेक्टर्स जैसे कैरेक्टर देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा अल्ट्रा बी का जो बेस प्लॉट है वो भी डोरेमोन के जैसा ही है, जिसमें अल्ट्रा बी नाम का एक रोबोट अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल करके रोजाना मुश्किलों में फंसे अपने दोस्तों की मदद करता है, जिसके चलते इसे देखकर आपको बिल्कुल डोरेमोन वाला ही फील मिलेगा। नंबर 7, साइबोर्ग कुरोचान। दोस्तों साइबोर्ग कुरोचान की बात करें तो इसमें हमें कैट जैसे अपीयरेंस वाला एक रोबोट देखने को मिलता है, जो अपने आप में ही इसे डोरेमोन के सिमिलर बना देता है। वैसे साइबोर्ग कुरोचान के अलावा इसमें और कुछ भी डोरेमोन जैसा नहीं है, मगर फिर भी ये एक समय पर लोगों को काफी पसंद आया था। दरअसल इसकी स्टोरी काफी सिंपल थी, जिसमें पेट की तरह रहने वाली एक कैट अपने बूढ़े ऑनर्स को प्रोटेक्ट करती है, लेकिन इसी दौरान एक एविल साइंटिस्ट द्वारा इस कैट को पकड़ लिया जाता है और वो इसे एक साइबोर्ग यानी कि आधे रोबोट में बदल देता है। खैर किसी तरह से ये कैट उस साइंटिस्ट की गिरफ्त से भाग जाती है और अपनी बॉडी से उन चिप्स को भी बाहर निकाल देती है जो उसे कंट्रोल कर रही थी। हालांकि अब ये कैट पहले जैसे नहीं थी, क्योंकि अब ये इंसानों की तरह बोल भी सकती थी, साथ ही साथ इसके पास बहुत सी पावर्स भी आ गई थी, जिनका यूज करके ये एक पेट की तरह रहते हुए भी क्राइम्स से लड़ा करती थी। नंबर 6, डोकोंजो गायरू। दोस्तों डोकोंजो गायरू जापानीज लोकल नेटवर्क्स पर अर्ली 70s के टाइम आने वाला एक क्लासिकल एनिमे है, और इसे आप डोरेमोन जैसा इसीलिए बोल सकते हैं क्योंकि इसमें भी मेन कैरेक्टर अक्सर मुश्किलों में फंस जाता था और फिर बाद में एक स्ट्रेंज क्रिएचर द्वारा उसे इस मुश्किल से बाहर निकाला जाता था। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस एनिमे सीरीज के कुल 103 एपिसोड्स थे, जिसमें सिली बॉयज एडवेंचर्स पर जाकर मुश्किलों में फंस जाते थे। इतना ही नहीं, इसमें भी जियान की तरह एक गुस्सैल लड़का भी होता था, और इन्हीं सभी सिमिलैरिटीज के चलते इसे देखकर आपको बिल्कुल डोरेमोन वाला फील मिलेगा। नंबर 5, काइकेत्सु ज़ोरोरी। दोस्तों काइकेत्सु ज़ोरोरी उन लोगों के लिए एक बेहतरीन एनिमे है जो डोरेमोन जैसा कुछ देखना चाहते हैं। अब इस एनिमे के सिर्फ 52 एपिसोड्स ही आए थे, जिनमें हमें एक ज़ोरोरी नाम के एक ऐसे क्यूनिंग फॉक्स के बारे में बताया गया था, जो एक कैसल और एक वाइफ के साथ मिस्चिफ का किंग बनना चाहता था। हालांकि इस सीरीज के अंदर वैसे तो कुछ नहीं है जो इसे डोरेमोन के सिमिलर बनाए, मगर इसकी जो सेटिंग और थीम है ना, वो बिल्कुल आपको डोरेमोन वाला फील जरूर देगी, क्योंकि इसमें जो ज़ोरोरी होता है ना, वो प्लान
प्लान्स और ट्रैप्स बनाता खुद के फायदे के लिए ही है, मगर एंड में उसके बनाए गए प्लान्स अपोजिट पार्टी का फायदा पहुंचा देते हैं, बिल्कुल नोबिता की तरह ही, जिसके गैजेट्स का फायदा दूसरे उठा जाते हैं। खैर, नोबिता तो डोरेमोन से हेल्प मांगता था, मगर ज़ोरोरी अपने प्रॉब्लम्स का किसी तरह से सॉल्यूशन निकाल लेता था और एंड ऑफ द डे उसकी प्रॉब्लम आखिरकार सॉल्व हो जाती थी। नंबर 4, केरोरो गनसो। दोस्तों, जब बात डोरेमोन की आती है तब वो अपने एपिसोडिक इवेंट्स की वजह से काफी ज्यादा पसंद किया जाता था, और ऐसा ही कुछ केरोरो गनसो के साथ भी है, क्योंकि इसमें भी हमें डोरेमोन के जैसा ही एपिसोडिक इवेंट्स देखने को मिलता है, जिनमें एक फ्रॉग वर्ल्ड पर अपनी हुकूमत कायम करना चाहता है। इस एनिमे सीरीज में करीब 300 एपिसोड्स है, जिनमें एक एलियन टाइप फ्रॉग दुनिया पर अपनी हुकूमत कायम करना चाहता है, जिसके लिए उसने अपना एक बेस भी तैयार कर लिया है। हालांकि देखो, बाद में लोगों को उसके बेस के बारे में मालूम चल जाता है, लेकिन लोग उसे परेशान करने की जगह उसे आराम से रहने देते हैं, और इसी तरह थोड़ी बहुत कॉमेडी के साथ ये सीरीज ऑडियंस को अपने साथ बांधे रखती है। नंबर 3, मोजाको। दोस्तों, 74 एपिसोड्स वाले मोजाको को भी आप डोरेमोन के जैसा ही एक एनिमे बोल सकते हो, क्योंकि इसके हर एक एपिसोड में भी बहुत अलग अलग अनबिलीवेबल गैजेट्स की झलक देखने को मिलती है। अब देखो, मोजाको की स्टोरी मिडिल स्कूल में पढ़ने वाले सोराओ नाम के एक लड़के के ऊपर है, जिसकी दोस्ती अर्थ पर आए दो एलियंस से हो जाती है, और फिर वो उन एलियंस को वापस उनके प्लैनेट पर भेजने में हेल्प करता है। हालांकि जब वो दूसरे प्लैनेट्स पर पहुंचते हैं, तब पाते हैं कि वहां तो बहुत से दुश्मन ग्रुप्स किसी छुपे हुए खजाने को पाने के लिए एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं, और इसी के इर्द गिर्द इस सीरीज का स्टोरी घूमता रहता है। खैर, जो भी हो, पर जब भी आप इस एनिमे सीरीज को देखोगे, तब इसकी यूनिक और हर्ट वार्मिंग स्टोरीज आपको काफी ज्यादा एंटरटेन करेगी। नंबर 2, डॉक्टर स्लंप एराले चैन। दोस्तों, 1981 में आया डॉक्टर स्लंप एराले चैन वैसे तो बहुत पुराना और फेमस एनिमे है, मगर फिर भी इंडिया के एनिमे फैंस ने शायद ही इसका नाम सुन रखा हो। अब दोस्तों, इस एनिमे की स्टोरी एक ऐसे एंड्रॉइड के इर्द गिर्द घूमती है ना, जिसका निर्माण डॉक्टर स्लंप द्वारा किया गया है। इस एंड्रॉइड का नाम एरिल होता है, जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट तो होती है, साथ ही साथ हर सिचुएशन में हंसती भी रहती है, क्योंकि एंड्रॉइड होने की वजह से इसके पास कॉमन सेंस नहीं होता है। वेल, इन्हीं सभी बातों और क्लासिक एनिमे होने की वजह से ये सीरीज आपको कहीं ना कहीं डोरेमोन वाला फील जरूर देगी, जिसे देख के आप टोटली अमेज हो जाओगे। नंबर 1, निंजा हथौड़ी कुन। दोस्तों, सबसे आखिर में बात करते हैं निंजा हथौड़ी की, क्योंकि ये एक ऐसा एनिमे है ना, जो उसी समय आया था जब डोरेमोन और कितरे तू रिलीज हुए थे, और यही कारण है कि ये भी डोरेमोन की तरह काफी ज्यादा फेमस है और बहुत से देशों में उनकी लोकल लैंग्वेज में अवेलेबल है। अब 90s के जो किड्स भी इसे देखते देखते बड़े हुए हैं, उन्हें इसे देखने के बाद बिल्कुल डोरेमोन के जैसा ही फील मिला है, क्योंकि इसमें भी डोरेमोन के जैसा ही यूनिक स्टोरी और एडवेंचर्स है। इसकी स्टोरी की बात करें तो ये हथौड़ी नाम के एक ऐसे निंजा के बारे में है, जो कि नॉर्मल टीनेजर की लाइफ जीने के लिए सानियो नाम के एक लड़के के घर पर आकर रहने लगता है। हालांकि ये अकेला नहीं होता, बल्कि इसके साथ इसका निंजा डॉग भी होता है, जो ज्यादातर जगह इसके साथ जाता है, और इन्हीं सब लोगों के आसपास इसकी स्टोरी घूमती रहती है, जिसके कोई 150 नहीं बल्कि पूरे 700 एपिसोड्स है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, और आपने इनमें से कौन कौन से एनिमेज को अपने बचपन में देख रखा है? वैसे मैं अगर अपनी बात करूं, तो मुझे डोरेमोन के बाद सबसे ज्यादा पसंद आया था निंजा हथौड़ी। अब आपकी बारी है, आपको इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा अच्छा लगा था, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।